53 साल का राज खत्म और असद परिवार का तख्ता पलट। सीरिया की सड़कों पर विद्रोहियों की हुकूमत और जेलों में बंद सैकड़ों लोगों की रिहाई का सिलसिला जारी है, मगर सवाल यह है कि क्या हर कैदी इस आजादी का स्वाद चख पाएगा। सिडैनिया जेल, जिसे डेथ कैंप कहा जाता है, वहां की स्थिति अभी भी वैसी ही है। हजारों कैदी अभी भी बंद हैं। उनकी चीखें अंधेरे में खोई हुई, और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन जेलों के दरवाजे खोले कैसे जाएं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक लॉक के कोड किसी को नहीं पता। सिडैनिया जेल, जहां की दीवारें कैदियों के लिए मौत का पर्चा है, उसे भेदना आसान नहीं है। वहां कैद किए लोग वो हैं जिनके बारे में शायद अब तक उनके परिवार को भी नहीं जानकारी है। कुछ कैदियों को तो जेल की दीवारों को तोड़कर बाहर निकाला गया, लेकिन उनमें से भी कई को गंभीर हालत में अस्पताल जाना पड़ा। कई कैदी आज भी अंदर अंधेरे में छटपटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कई रिहा हुए कैदियों को देखा जा सकता है। कुछ लड़खड़ाते कदमों से बाहर आ रहे हैं, तो कई की हालत ऐसी है कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। इन कैदियों के शरीर पर हुए जुल्म के निशान भी बता रहे हैं कि सीरिया के जेलों में क्या बीतती थी। कुछ की याददाश्त भी गायब हो चुकी है। यहां से अंदाजा होता है कि अंदर कैदियों पर किस हद तक टॉर्चर किया गया है। सीरिया का विद्रोही नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी तख्ता पलट के बाद पहली बार खुलकर सामने आया। उसने सीरिया को शुद्ध करने की बात कही, लेकिन असल सवाल यह है कि किस कीमत पर। हजारों निर्दोष लोग अपनी जिंदगी, अपनी पहचान खो चुके हैं, और अब भी सैकड़ों लोग जेलों में बंद है जिनके बारे में कुछ नहीं पता। रिहाई सिर्फ आम नागरिकों तक सीमित नहीं रही। विद्रोही ने हमास के 680 आतंकियों को भी जेल से बाहर निकाल दिया है। इनमें से 65 लोग ऐसे थे जिन्हें फांसी की सजा मिलने वाली थी। ये आतंकवादी संगठन अब सीरिया में नए हालात में क्या भूमिका निभाएंगे, ये चिंता का विषय है। इनमें से कुछ स्थानीय स्तर पर बड़े कमांडर थे, जिनका बाहर आना विद्रोहियों के लिए एक रणनीतिक जीत माना जा रहा है। लेकिन क्या इससे सीरिया में खून खराबा होगा? और वहीं दूसरी ओर बशर अल असद, जिसने दशकों तक सीरिया पर अपना सिकंजा कसा रखा था, अब रूस में रणनीतिक शरण लेकर छिप बैठा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद बयान जारी किया है कि असद को शरण दी गई है। हालांकि ये नहीं बताया गया कि वो कहां छिपा हुआ है। ये जरूर है कि दुनिया भर की निगाहें अब सीरिया पर टिकी हुई है। असद के भागने से सवाल खत्म नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। विद्रोहियों की जीत क्या सिर्फ असद को सत्ता से हटाना था, या सीरिया को एक नई राह पर ले जाना है? सीरिया के सामने अब सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि एक नई चुनौती है कि देश को फिर से बनाना है। लेकिन विद्रोहियों के हाथ में अब जो सत्ता है, क्या वो सीरिया को स्थिरता दे पाएगी, या फिर देश एक और गृह युद्ध की चपेट में आ जाएगा? जो आतंकवादी रिहा हुए हैं, वो विद्रोही गुट के सत्ता में आए हैं, उनके इरादे क्या हैं, ये जानना जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।